हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस क्लास में हम ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये ज्योग्राफी सीरीज का 5th पार्ट है, यानी 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम 120 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी है, यानी टाइफून, टार्नेडो, हरिकेन या तड़ित झंझा, इन चारों में से सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन है, सबसे ज्यादा विनाश कौन करता है। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। टार्नेडो जो होता है वो सर्वाधिक विनाशकारी होता है इन चारों में से। आपको कमेंट करके आंसर भी इनके बताने हैं और खुद एनालाइज भी करना है कि आप कितने राइट आंसर कर पा रहे हैं, और मुझे भी कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है, कपासी, कपाशी वर्षा, वर्षा स्तरी या पच्छाब स्तरी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो अत्यधिक वर्षा होती है वो वर्षा स्तरी मेघ से होती है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है, पर्वतकृत, चक्रवाती, संवहनीय या प्रति चक्रवात। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, पर्वतकृत। यानी पर्वतकृत जो वर्षा होती है वो अधिक सबसे ज्यादा अधिकतम वर्षा होती है। संसार की अधिकतम वर्षा किस रूप में होती है, पर्वतकृत रूप में होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, मानसूनी, भूमध्य सागरी, रेखी, भूमध्य सागरी या टुंड्रा। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, यानी पूरे टाइम, पूरे ईयर वर्षा होती है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आइसोबाथ, आइसोराइन, आइसोहाइट या आइसोनेफ। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं आइसोहाइट। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोफोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कि वायुमंडल की जो आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की सहायता से हम वायुमंडल की आर्द्रता को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से, पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो धर्मी तत्वों से या सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो ओजोन परत पाई जाती है ओजोन लेयर समताप मंडल में, वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्योंकि अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो वो स्किन कैंसर का भी रीजन बन सकती है। तो ओजोन परत क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है, टाइफून, सुनामी, टार्नेडो या हरिकेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है, चीन, भारत, यूएसए या फ्रांस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन। चीन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, चीन में, भारत में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारत में। भारत में विश्व में सबसे यानी भारत में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन होता है, या विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है कौन, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है, कोको का, कपास का, कॉफी का या तंबाकू का। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कॉफी।
ब्राजील जो है, ब्राजील उसमें सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, यानी ब्राजील देश में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा बंदरगाह कॉफी पत्तन के नाम से जाना जाता है, साओ पालो, सेंटोस, रियो डी जेनेरो या ब्यूनस आयर्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो सेंटोस बंदरगाह है उसे कॉफी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है, भारत में, चीन में, इंग्लैंड में या रूस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चीन सही हो जाएगा कि जो चीन देश है वो चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत या थाईलैंड। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि जो थाईलैंड है वहाँ विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है, यानी विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, थाईलैंड है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, प्राकृतिक रबड़ अलग होती है, कृत्रिम रबड़ अलग होती है। तो कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, यूएसए, इंडोनेशिया, थाईलैंड या मलेशिया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो यूएसए है वो विश्व का सबसे अधिक कृत्रिम रबड़ का उत्पादन करता है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दुग्ध उत्पादन यानी दूध का जो उत्पादन होता है वो किस देश में सबसे ज्यादा होता है, यानी दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, डेनमार्क का, यूएसए का, भारत का या चीन का। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भारत में दुग्ध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बोरलॉग, बीरबल साहनी या पंचानन माहेश्वरी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जन्मदाता, सॉरी ये राइट नहीं है, जो हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है वो कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 137 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सेरी कल्चर का संबंध किससे है, यानी जो सेरी कल्चर है वो किससे रिलेटेड है, लॉक से, मछली से, मधुमक्खी से या रेशम कीट से। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो सेरी कल्चर है वो रिलेटेड है आपका किससे, रेशम कीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है क्या, यानी जब व्यापारिक स्तर पर व्यापार के लिए फलों का उत्पादन होता है तो उसे किस प्रकार का उत्पादन कहते हैं, एपिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेरी कल्चर या सिल्वी कल्चर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हॉर्टिकल्चर, यानी व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का जो उत्पादन होता है उसे हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है, बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में, बोथानिया की खाड़ी में या अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत, चीन, जापान या नॉर्वे। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है चीन, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है, यानी जो सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है, विश्व का सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, यूएसए में, चीन में या जापान में। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन, विश्व में सर्वाधिक सोने का जो उत्पादन होता है वो चीन में होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, चीन, बोलीविया, पेरू या कनाडा। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ भी आपका चीन राइट ऑप्शन हो जाएगा कि विश्व का जो सबसे ज्यादा टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो करता है चीन। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन है, लेकिन चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कनाडा, भारत, पेरू या चीन। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो पेरू है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, कजाकिस्तान, यूएसए, रूस या चीन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान वो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, यानी सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन कौन करता है, कजाकिस्तान। ये जो आपके मध्य एशिया का एरिया आता है, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी जिसमें भी स्थान वाली कंट्रियां हैं, ये सब सेंट्रल एरिया की कंट्रियां हैं, मध्य एशिया, जहां से आर्य भारत आए थे। और ये किसका किसने कहा था स्टेटमेंट कि आर्य भारत मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर ने कहा था। तो ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें पूछ रहा है कि विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यूएसए, भारत, रूस या जर्मनी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो जर्मनी देश है, जर्मनी वो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है, भारत, चीन, यूएसए या रूस। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। चीन ही है जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, यानी विश्व का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कौन सा देश करता है, चीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि संसार की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है कहाँ है, सॉरी कहाँ नहीं पूछ रहा, स्थान का नाम आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे नेम पूछ रहा है कि कौन सा संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है, स्वेज नहर, सू, कील या पनामा। तो यहाँ जो आपसे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर सही हो जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है आपकी स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि पिग्मी जनजाति निवासी है कहाँ की, कांगो की, मलेशिया की, सुमात्रा की या ऑस्ट्रेलिया की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो पिग्मी जनजाति है वो कांगो की निवासी है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी चार दिए हुए ऑप्शन जिनमें से तीन सही मैच है, एक सही मैच नहीं है, वही आपको फाइंड आउट करना है। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका निवास स्थान दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पहला देखते हैं, पहला क्या दिया हुआ है, माओरी। माओरी जनजाति कहाँ की निवासी है, न्यूजीलैंड की, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। एनू फ्रांस की निवास, एनू जो जनजाति है वो फ्रांस की निवास स्थान है उनका, ये गलत है, यानी क्वेश्चन के बिहाफ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही मैच नहीं है। सीमांग जनजाति मलेशिया की है, एस्किमो जनजाति कनाडा में रहती है और माओरी जनजाति का निवास स्थान न्यूजीलैंड है, लेकिन एनो जनजाति का निवास स्थान फ्रांस से नहीं है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए और सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट इसकी आपको चैनल पे मिल जाएगी, चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वहाँ जियोग्राफी सीरीज की मिल जाएगी। जितने भी वीडियोस मैंने हिस्ट्री सीरीज, जियोग्राफी सीरीज या हिंदी प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जितने भी कराए हैं, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप सभी को अच्छे से देख लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, आप खुद वीडियोस देखिए, क्वेश्चंस रीड करिए, आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलते रहें, टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस चलती रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।